साथ में अपने सन्मुख धरना, अपने सन्मुख धरना, अहंकार की ताकत मीठा अपने सन्मुख धरना। समदृष्टि दीप पकले कर में, समदृष्टि दीप पकले कर में, जैसे कोई पेड़ फलदार होता है तो उसके फल, उसकी छाया सबको सहज प्राप्त होती है, तो साधक सुधारक बनने की कोशिश नहीं करता, उसके द्वारा सहज सेवा होती है। ये जीवन का एक एक पहलू बड़ा गहरा है। स्वामी सोमन जी महाराज बहुत ऊंचे विद्वान थे, वेदों की ऋषि परंपरा के वो जीवंत स्वरूप, मूर्त स्वरूप थे, और उन्होंने ये जो एक एक बात कही है ना योगी के जीवन के संदर्भ में, जीव जगत के पाप निगल गए, जीव जगत के पाप निगल गए, मत छाया करना, करुवत छाया करना, जीव जगत के पाप निगल गए, करुवत छाया करना, उमर उमर कर हृदय गगन में, उमर उमर कर हृदय गगन में, धर्म में बन झरना, जो भी योग जुगत से करना, जो भी योग जुगत से करना, जो भी योग जुगत से करना। तीरथ रंजित धार उतरना, हृदय धार उतरना, आत्मगंग तन तीरथ रंजित हृदय धार उतरना, अभिषेक आत्म छवि ले कर, अभिषेक आत्म छवि ले कर, जग जननी के शरणा, जो भी
जोग जुगत सी करिया जोगी जोग जुगत सी करिया जोगी जोग जुगत सी करिया हो जोगी जोग जुगत सी करिया हो जोग जुगत सी करिया जोग जुगत सी करिया हो जोगी जोग जुगत सी करिया हो जोगी जोग जुगत सी करिया हो जोगी जोग जुगत सी करिया निर्भय चारो धूप विचरना जोग जुगत से करना हो जोगी जोग जुगत से करना जोगी जोग जुगत से करना जोगी जोग जुगत से करना पूरा जीवन ही हमारा ऐसा लयबद्ध तालबद्ध होना चाहिए जैसे सारी सृष्टि एक लय में चल रही है। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दधता संगमे कभी भी अतिक्रमण नहीं करता अपनी मर्यादा का। चंद्रमा अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता ये धरती संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं में अनुशासित है। हमारा भी ऐसा ही चीज़। अरे सच जाएगा धीरे धीरे से कितना ही मोटा हो गला हो सड़ा हो बेकार हो शरीर के स्तर पर इंद्रियों के स्तर पर मन के स्तर पर कितने ही दोष भरे पड़े हो अनादि काल के प्रवाह से और इस जन्म के भी प्रमाद से अज्ञान से कितने ही दोष हो वर्तमान सभी का निर्दोष है। बस यहीं से यात्रा शुरू करो। ये धीरे धीरे इसलिए करवा रहे कि पूरा शरीर एकदम सज जाए हाथ पैर पेट पीठ कमर बाबा जी ये सब कुछ कुछ ऐसे ही हो रखा है शरीर काबू में नहीं है मन काबू में नहीं है ये शरीर जिधर जाता उधर ही बढ़ जाता है इधर कमर बढ़ गई इधर ये हो गया कहीं से भी घट जाता है कहीं चिपक जाता है कहीं उभर जाता है ये तब तक रहेगा जब तक आपकी पूरी जागृति नहीं है। बैठो आपकी मर्जी के बिना एक सूत भी आपका शरीर घट और बढ़ नहीं सकता ऐसे बैठ जाओ फिर मत कहना कुछ कर ना सके ये जीवन अब तक संवर ना सके ऐसे बैठो बाबा जी की तरह मेरी तरह बैठो थोड़ा पैर देखो ऐसे रखो पैरों में पीछे फासला सब्र जाएंगे जीवन आराम आराम से कर लेना जिसका जितना सामर्थ्य शरीर का सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता है शरीर आपकी मर्जी के बिना इधर उधर गति नहीं करेगा
मन कितना ही चंचल हो, आपकी मर्जी के बिना इधर उधर नहीं जाएगा। दोनों ही जड़ तत्व है, तुम चैतन्य उसके नियंत्रक हो। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तसारथिं विद्धि मनः प्रक्रमेव च। इंद्रियाणि हयान आहुर विषयास्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः। यस्तु विज्ञानवान भवति, लंबी प्रक्रिया है लेकिन अभिप्राय यह है, तुम बाहर के स्वामित्व को पाने से ज्यादा महत्व अपने भीतर का स्वामित्व पाने को देना। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास होंगे, जो पहली बार कर रहे हैं वो एक दो बार करें, और जो निरंतर कर रहे हैं वो मेरे साथ पांच पांच बार करें, ठीक है। लंबे लंबे श्वासों के साथ हम जितना सामर्थ्य है उतना उतना करना। एक श्वास में एक अभ्यास पूरी एकाग्रता के साथ करना, मैं बार बार कहता हूं। क्षिप्त मूड निक्षिप्त अवस्था में योग संभव नहीं होता है। एकाग्र अवस्था निरुद्ध अवस्था में जाओ, जो एकाग्र अवस्था में जीता है वो साफ है, और जिसकी चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो गई वो सिद्ध हो गया। फिर मत कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक सवर सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। श्वासों के साथ एक श्वास में एक अभ्यास। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक सवर सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। संगति का भी योग मिला, जब दर्शन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि भव सागर तुम तैर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। मैंने दंड बैठक लगाते लगाते बहुत सारे आसन हो जाते। तुम सत्य तत्व जानी होकर, तुम सद्धर्मी दानी होकर, तुम सत्य
सत्य तत्व ज्ञानी होकर तुम सद्धर्मी दानी होकर सत्य तत्व ज्ञानी होकर तुम सद्धर्मी दानी होकर जग शरण फिर अभिमानी होकर सरल निर्भिमानी होकर काम नाम चल न सके फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके झूले की तरह आप बीच में झूलते रहेंगे जैसे ऐसे गए आगे पीछे आने वाली प्रक्रिया तभी होगी ये तो आधा बताया था जब हाथों में ताकत होगी तो बीच में से निकलते रहेंगे आते रहेंगे देखो ऐसे आराम से जग में जो कुछ भी पाओगे सब यही छोड़ कर जाओगे जग में जो कुछ भी पाओगे सब यही छोड़ कर जाओगे जग में जो कुछ भी पाओगे सब यही छोड़ कर जाओगे पछताओगे तुम यदि अपना पछताओगे तुम यदि अपना पुण्यों से जीवन भर न सके फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके दंड के लिए संतुलन बनाइए लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरी एकाग्रता के साथ जब आप करते हैं तो धीरे धीरे सब संभव हो जाएगा समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा यदि शक्ति समय के रहते ही यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके फिर मत कहना कुछ कर 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 न सके मेरे जीवन अब तक समर सके फिर मत कहना कुछ कर न 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 सके